दोस्तों ये सीरीज़ का पार्ट 4 है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पिछले पार्ट्स नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। सो दोस्तों सबसे पहले आप लोग पिछले पार्ट्स देख लें, तभी आपको पूरी कहानी समझ आएगी, अदरवाइज आपको कहानी कुछ भी समझ नहीं आएगी। सो दोस्तों चलिए अब मैं पार्ट 4 स्टार्ट करता हूँ। हेलो, हाय, हाय, खाना हो गया? हाँ खाना तो हो गया। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस लेटी हूँ। अच्छा सुनो ना सारिका। हम्म, मैं ना कल से एक चीज सोच रहा था, कि एक सवाल पूछना था तुमसे। मुझसे? हाँ पूछो। पर मुझे नहीं पता तुम सच बताओगी या फिर झूठ कहोगी, पर जो भी हो सच ही बताना, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे पूछूं, तो इसलिए मैं पूछूंगा, तुम बस सच बताना है, ठीक है? और हाँ, और मेरा ना कोई गलत इंटेंस नहीं है कि ये सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तो मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, ठीक है? तो मैं पूछूं? पूछो। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मेरा नहीं, इतना सोच कर क्यों बता रही हो, सच बताओ। सोचना पड़ा क्यों? क्योंकि ये सवाल अक्सर लोग मुझसे करते हैं, तो आज तुमने भी कर लिया। तो इतना सोच कर नहीं बोला, इसका मतलब है? नहीं है, हो ही नहीं सकता। मत करो यकीन, जो सच्चाई है वही है। आज के जनरेशन में किसी लड़की का बॉयफ्रेंड ना हो ही नहीं सकता। ये किस किताब में लिखा है कि हर लड़की के लाइफ में एक बॉयफ्रेंड होना जरूरी है? ये मेरी जादुई किताब में। तो तुम्हारी जादुई किताब में मैं नहीं कहीं फिट बैठती। अच्छा, ये बताओ कि कोई बॉयफ्रेंड है नहीं, या फिर किसी ने चीट किया इसलिए अब बनाने का इरादा नहीं है? नहीं, कोई है ही नहीं, मैंने किसी को आने ही नहीं दिया अपनी लाइफ में। पर ऐसा क्यों? अब वो मत पूछो ऐसा क्यों, बस है कुछ प्रॉब्लम। तो आगे क्या चाहती हो, किसी को बनाओ या फिर ना? नहीं, मुझे नहीं बनाना है किसी को। पर क्या, पर तुम क्यों? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बस मुझे जानना है, मुझे जानने में अच्छा लगता लोगों के बारे में। बताओ। अच्छा, और बताओ कोई ना, क्वेश्चन? अभी जो क्वेश्चन पूछा हूँ उसका ही आंसर दे दो पहले तुम। क्या पूछे, बताए तो कि नहीं है कोई? हाँ तो क्यों नहीं है ये बताओ, क्या वो इतने खामोश क्यों, बताओ ना। अरे खामोश नहीं हूँ, बस ऐसे ही कुछ चीजें सोचने लगी। सारिका, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे यकीन नहीं है, यकीन है तुम पर, तभी तो बात कर रही हूँ। तो फिर बात क्या है, बताओ। पता है, बोलो मेरी ना। जो बड़ी दी थी, मतलब है अभी भी, बट हम लोगों से कांटेक्ट नहीं है उनका अब। ऐसा क्यों, वही बता रही हूँ। बोलो। वो ना असल में दो तीन तीन साल पहले वो एक लड़के से प्यार करती थी, अच्छा, और उनको पता था मम्मी पापा कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये बात, लेकिन फिर भी उनको एक बार घर में ये बात रखनी चाहिए थी ना, अगर उन्हें शादी करनी थी तो। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। हाँ ये था कि मुझे पता था, पर मुझे ये नहीं पता था मेरी दीदी ऐसा कुछ करेगी, करने वाली हैं या करेंगी, अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मम्मी पापा से बहुत प्यार करती थी। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो है उस लड़के के लिए हम सबको छोड़ के चली गई, मतलब उससे शादी कर ली, और हम मतलब लोगों को खबर तक नहीं थी। घर पे बिना बताए कर लिया शादी? वाह यार, तुम्हारी दीदी तो ग्रेट है बिल्कुल। फिर उसके बाद वो चली गई, कभी कांटेक्ट की ही नहीं, बस एक बार बात की, मतलब बताई, लेकिन उसके बाद से मतलब मुझसे बात की
तो मैं बहुत उनके ऊपर चिल्लाई कि आपको एक बार घर फैमिली में बात करनी चाहिए थी, कुछ तो बोलना चाहिए था। आप ये भी नहीं सोची कि आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे क्या नहीं, आपने बस अपना प्यार आपको दिखाई दिया। ये जो माँ बाप आपको बचपन से पाल पोस कितना बड़ा के, उनकी ममता आपको नहीं दिखाई दी। एक बार तो उनके सामने कही होती, शायद वो लोग करवा ही दिए होते, लेकिन बिल्कुल वो नहीं। कहेंगे मुझे डर था, मगर नहीं करवाते तो मैं जी नहीं पाती। तो ठीक है, अब तो आप जी दे रही हो ना, यहाँ सबको तकलीफ में देकर, तो अब फोन क्यों की हो? बस पापा मेरे जान गए कि फोन आया है, उसके बाद से उन्होंने आके मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, तुम भी ऐसे ही करोगी, ये है वो है। फिर मेरे सामने भी रोना, मतलब रोने लगे, ये सब सोचकर कि एक ने ऐसा किया, कहीं ऐसा ना हो ये भी यही करे, तो इज्जत अच्छा कहाँ जाएगी मेरी। उसी टाइम पापा से वादा किया कि दीदी ने जो चीज की है, ठीक है, आप इतना भरोसा रखो कि लाइफ में आगे कभी भी मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगी, कभी भी। जहां आप लोग चाहोगे वहीं करूंगी, अच्छा इसलिए करना। मैं अब नहीं चाहती कि मतलब मेरी लाइफ में कोई आए। अच्छा तुम बहुत अच्छी हो, क्योंकि आजकल बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने मम्मी पापा के बारे में सोचते हैं। तो तुम अपने पापा के बारे में सोच रही हो, उनकी इज्जत के बारे में सोच रही हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगी तुम में, कि तुम वाकई में ये सब सोच रही हो। और तुम सोच रही हो ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूछो क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो तुम एक टीचर हो, तो तुम शिक्षित हो ना, तो तुम्हें पता है कि इज्जत क्या होती है, पापा मम्मी क्या होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में। तुम सही मैच्योर बात हो, तुम में है, मैच्योरिटीज है, तो तुम्हें समझ आ रहा है। बट कहीं ना कहीं ये सब आज मेरे पापा के ही देन है, क्योंकि आज जो भी है ना, बस मतलब उन्हीं की वजह से है। उसी मतलब उस टाइम ये सब जब सब कुछ हुआ था ना, मतलब तभी से मैंने केवल पढ़ाई पे फोकस किया और लाइफ में किसी को आने तक नहीं दिया। आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, बस उन्हीं की वजह से हूँ। और कहीं ना कहीं वो लोग ये चीज़ देख के बहुत खुश भी हैं कि जैसा बड़े ने किया वैसा कम से कम इसने तो नहीं किया, चाहती तो ये भी वैसा कर सकती थी। लेकिन खैर वो लोग बहुत खुश है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम मेरे माँ बाप मुझसे तो खुश है ना। अच्छा अच्छी बात है। वैसे और भी अब तो शादी के रिश्ते भी आ रहे हैं। तुम्हारे लिए अच्छा, बट पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है, क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या करूं का क्या मतलब है? मतलब मेरा अभी मन नहीं है शादी करने का। पर तुम शादी करोगी ना किसी से, फिर करनी पड़ेगी, घबराना कैसा? जो पसंद आए कर लेना। घबराहट इसलिए कि पता नहीं जिससे होगी वो कैसा इंसान है, फिर पता नहीं मैं अपने माँ बाप के साथ मतलब उस तरीके से रह पाऊंगी कि नहीं, मुझे रहने देगा कि नहीं रहने देगा, ये सब। मैं दुआ करूंगा तुम्हारे लिए कि तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिले। वैसे एक बात बोलूँ, बोलो ना। दुआ मत करो, बस मेरी एक छोटी सी हेल्प कर देना। बोलो। जो शादी के रिश्ते आ रहे हैं, क्या उसमें मेरी हेल्प कर सकते हो लड़का सेलेक्ट करने में? तुम क्या कोई कपड़ा सिलेक्ट कर रही हो? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस मामले में। तो मैं क्या हेल्प करूं इस मामले में? कपड़ा नहीं सेलेक्ट करना है, लाइफ। ये कपड़ा तो चलो इंसान एक बार सेलेक्ट कर लिया, नहीं पसंद है दोबारा फिर खरीद लेगा ना, वही तो मैं ये तुमसे लाइफ कह की रहा हूं, बात है। तुम्हारी इसलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं सारी का कि मेरी पसंद से क्यों, तुम्हें जो अच्छा ही लगे। मुझे मुझे तुम पे विश्वास है, ठीक है। मुझे लड़कों के बारे में नहीं आइडिया है, लड़के कैसे होते हैं कैसे नहीं। तुम्हारा दिल क्या कहता है, क्या मेरा चाहिए दिल तुम्हें? कहता है तुम जो कहोगे वो सही होगा,
मैं जो कहूंगा वो सही होगा। मैं बताऊंगी ना कि मतलब कौन क्या है, कैसे मुझसे बात किया क्या है, तो फिर उस हिसाब से तुम बता सकोगे ना कि हाँ कौन सा लड़का सही है कौन सा नहीं। देखो ओके बता दूंगा मैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लूंगी। नो 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 नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, चलो मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? क्यों क्या हुआ, तुम्हें नहीं थोड़ा सा काम है मुझे, तो करता हूँ बाद में। बुरा तो नहीं लगेगा मेरी बातों का? अरे नो नो, क्यों बुरा लगेगा? बहुत खुशी की बात है, तुम्हारी शादी होने जा रही है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? नहीं, शादी की बात से बुरा लगने की बात नहीं की, मैंने तुमसे बोल दी कि मतलब मेरी हेल्प कर अरे दोगे नो नो तो। नो नो, मतलब हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है लोगों की, तो मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे इस काबिल समझा। फिर भी अगर बुरा लगा हो मेरी बातों का तो सॉरी। नो नो, मुझे बल्कि बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे इस काबिल तो समझा कि अपने लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने में तुम मेरी हेल्प मांग रही हो। तो इससे से पता चलता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें मुझ पे वो ट्रस्ट है जो होना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगा ये जानकर। एंड बाकी सब ठीक है, चलो जो अच्छा होगा मैं बोल दूंगा, अभी मुझे काम है तो मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके ओके बाय। बाय बाय। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। चलो फिर मिलते हैं, टाटा।